हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू है, तो जिन बच्चों को भी एडमिशन लेना है वो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख करिए कि एडमिशन लेना कैसे है, एडमिशन लेने के सारे प्रोसेस क्या हैं, एडमिशन कैसे लिया जा सकता है यहाँ पर गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में। सो एप्लीकेशन फॉर्म को तो रिलीज़ कर दिया गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे, कहाँ पे जाकर के करना होगा, किस तरह से करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगी आपको, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करनी होती है, जिन बच्चों को भी डाउट्स है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में परेशानी दिक्कत जो भी होती होगी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्या कैसे करना होता है। सिंपली अपने ब्राउज़र ओपन करने है गूगल ब्राउज़र, एंड वहाँ पर टाइप करनी होगी गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर। ये एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म तक कैसे पहुँचा जाए, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी, सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक कर देनी होगी। सो आप देख पाते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म को जो है रिलीज़ कर दिया गया है, कभी से शुरू है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आपको ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है वेरियस कोर्सेज के लिए, नोटिफिकेशन में भी यही आई हुई है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है। सो आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सभी की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है कि आपके इंटरेस्टेड रिलेटेड बेस्ट कॉलेजेस का सजेशंस आपके ईमेल आईडी के थ्रू मिलता है, आपके ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको मिलेगा, जिस वजह से आप देख पाएंगे सजेशंस कौन से अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छे लगेंगे सजेशंस आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं, आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे जब क्लिक नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर करेंगे तो होगा, सजेशंस मिलेंगे, अच्छे सजेशन मिलेंगे, बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड सजेशंस मिलेंगे आपको। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है, आप खुद जानते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 18 May 2022 फॉर वेरियस कोर्सेज के लिए, क्लिक टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। ओके, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, न्यू टैब पे ओपन हो जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करना होता है और यहाँ पर क्लिक कर देनी होगी। बट उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, कि ये गुड न्यूज़ ये है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में, UPES यूनिवर्सिटी में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, MIT, WPU यूनिवर्सिटी, पारोल यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, मनोरचना यूनिवर्सिटी, ये है देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटी जिसमें फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो आपको भी इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लेना चाहिए। ओके, सो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आप एडमिशन लेने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको 100% प्लेसमेंट रेट मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर होता क्या है कि सिर्फ आसपास के बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं आते हैं, जो यहाँ पर हमारे सिटी के अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जब ये फॉरेन कंट्री के बच्चों के साथ, जो भी लड़के लड़कियाँ होती हैं उन सभी के साथ आप बातें करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है कि आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, यहाँ पर एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर एडमिशन लेता, आपको भी एडमिशन लेना ज़रूरी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा अप्लाई करने के लिए, और आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ पर क्या होता है, 1 2 बूम। ओके, वेलकम टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो दो ऑप्शन डायरेक्टली आपको दिखा दिया जाता है, एक ऑलरेडी, एक न्यू यूज़र। सो फर्स्ट वाला कंप्लीट करना है हमें, गो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र के लिए क्लिक कर देना होगा, आपको सेलेक्ट स्ट्रीम आपकी स्ट्रीम बतानी होगी। ओके, जूम करके दिखा देता हूँ आपको, सेलेक्ट स्ट्रीम आपकी स्ट्रीम कौन सी है, स्ट्रीम के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सेलेक्ट करने वाले ही हैं,
तो नेक्स्ट कैटेगरी बतानी होती है लॉ। अब यहाँ पे प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा प्रोग्राम्स होता है, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा प्रोग्राम्स मैरीटाइम लॉ, एलएलएम मैरीटाइम लॉ, जो भी है। अब जो भी जिसके लिए भी अप्लाई करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना सिंपली। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन्स कंप्लीट करनी होती है, जिसमें आपका नाम क्या है, मिडल नेम लास्ट नेम क्या है, आपके पिताजी फादर नेम मिडल नेम लास्ट नेम, मदर नेम आपके माता जी का नाम क्या है, फर्स्ट नेम मिडल नेम एंड लास्ट नेम मीन्स सर नेम। सो ये आपके माता जी का फादर नेम और मदर नेम सभी का यहाँ पर नाम आएगा। जेंडर, जेंडर में आप मेल या फीमेल हैं, कैटेगरी बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, ईमेल आईडी बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, और मोबाइल नंबर बताने के बाद रिलीजन बताएंगे, हिंदू क्रिश्चियंस जो भी होगा आपका, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव बी प्लस जो भी हो आपका यहाँ पर वो बताएं। फिर आप बताएं आपकी कौन सी नेशनलिटी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का है, परमानेंट एड्रेस आपका बताएं, एड्रेस बताएं यहाँ पर, सिटी बताएं, डिस्ट्रिक्ट बताएं, कंट्री बताएं, स्टेट बताएं, सिटी बताएं, सब यहाँ पर बताने के बाद आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना होता है। एड्रेस में सिंपली जो नॉर्मली यूज़ होता है वही सभी चीज़ें हैं, कुछ हार्ड नहीं है, डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या फ़िल करना होता है, कुछ पर्टिकुलर से जहाँ पर आपके फादर फादर के यहाँ पर क्या फ़िल करना है, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो आपके फादर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, मदर आपके माता जी का ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों यहाँ पर चाहिए, इमरजेंसी के लिए किसी का भी, ठीक है, उसका इमरजेंसी के लिए उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दीजिएगा, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको टेस्ट डिटेल टोटल वन रिकॉर्ड फाउंड्स। ओके, सो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि आपने कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दिया रहेगा, क्लैट का, कैट का, सी मैट, या फिर नहीं दिया है तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर दिया है तो आप यहाँ पर सब डिटेल्स फिल करेंगे कि आपका रोल नंबर क्या था। ओके, ठीक है, रैंक कितना आया था जनरली आपके, और स्टेट में रैंक कितने हैं, स्कोर कितने थे, एग्ज़ाम डेट क्या था, सेंटर कौन सी थी, क्वार्टाइल, रिमार्क, सब यहाँ पर देंगे। क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन के एग्जामिनेशंस की डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन के डिटेल्स देंगे। सो किसका, क्लास टेंथ का, क्लास टेंथ में आपने कौन से कॉलेज या फिर कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से स्कूल में आपने कंप्लीट की क्लास 12th। ओके, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, मेजर सब्जेक्ट्स एंड पासिंग ईयर, एजुकेशन स्टेटस बतानी होती है, पास हो चुके या फिर कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीटेड, यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन बताने, कितने में से कितना मार्क्स आया, फिर यहाँ पर नीचे और जाना आगे, तो ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, मार्क्स ऑप्टेन बताना, यानी कि आपको कितना मार्क्स आया, 4330, ठीक है, कितने में से, 600 में से, तो टोटल मार्क्स ये, और उसमें से आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया, कितना मार्क्स गेन किया, तो परसेंटेज हो गया इतना 71, ठीक है। अगर सीजीपी में मार्क्स आता है तो यहाँ पर सीजीपी में मार्क्स बता सकते हैं, ग्रेड में आता है तो ग्रेड में बता सकते हैं कितना ग्रेड आया था, ए पॉजिटिव, ए प्लस, बी प्लस, जो भी आया रहेगा, सी सी जो भी आया रहेगा। रोल नंबर क्या है आपका, रोल नंबर बताने के बाद मीडियम बताना है, रोल नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, मीडियम बताना है, इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश मीडियम बता देना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर बस। इस तरह से आपको सभी डिटेल्स फिल करनी है, 12th के भी, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा बता सकते हैं, ग्रेजुएशन की बतानी हो तो ग्रेजुएशन को बता सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को बताने हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का बता सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बतानी होती है इफ़ एनी अगर कोई है तो। ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कोड होता है, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईयर बताना है, और ये कब से कब तक किया आपने, ठीक है, कौन से ईयर से स्टार्ट किया और कौन से ईयर तक ख़त्म, बस। तो इंसर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कोई काम वगैरह किया रहेंगे फिर और इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से और इंसर्ट इंसर्ट करके कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि फ़ोटो इन ओनली जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, मैक्सिमम फ़ोटो की साइज़ 50 KB, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं चाहिए आपकी फ़ोटो के साइज़। स्टूडेंट्स फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखेगा। स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स ओनली PDF फॉर्मेट एंड मैक्सिमम साइज़ 150-300 KB डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स नेम यहाँ पर होगा, 10th मार्कशीट होगा, 12th मार्कशीट होगा, आधार कार्ड होगा, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग अवेलेबल ऑन एंटी रैगिंग इन। ओके, सो ये डिटेल्स यहाँ पर फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट डिक्लेरेशन, कास्ट सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर आपको ये सभी के सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना जरूरी है।
तो क्या यहाँ पर जैसे 10th का मार्कशीट, तो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। ओके फिर ऐसे अपलोड पे क्लिक कर दे तो आपके तो यहाँ पर फाइल चूज़ पे क्लिक करना। फाइल चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। क्या करना है, चूज़ फाइल, तो आपका फाइल खुलेगा। फिर फाइल खोलने के बाद आपको आगे फाइल नेम वगैरह सब यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, और आपको यहाँ पर फोटो फाइनली दिखाई दिया जाएगा। फोटो देखने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना। सेव सेव होगा और फिर यहाँ पर फोटो दिखेगा, तो नोट अपलोडेड अगर है यहाँ पर तो अपलोडेड दिखाई दिया जाएगा। इसी तरह से आप 12th का मार्कशीट भी करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, ओके से ज़्यादा ही है, ओके लाइक ये हो गया। सेव पे क्लिक कर दूंगा, सेव इमेज अपलोडेड, ओके। सो यहाँ पर अपलोड हो गया ना, मैंने अभी किया। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं अपलोडेड बताया था। अभी देखते हैं क्या इशू है। नोट अपलोडेड यहाँ पर लिखा है, या इंटरनेट स्पीड भी आपकी तेज़ होनी चाहिए एक्चुअली। ओके तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है, और जो जो यहाँ पर आप एलिजिबल है, जिस किसी भी सारी चीज़ों में एलिजिबल है, वो सभी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, एंड डिक्लेरेशंस में एक्सेप्ट करनी है, एंड सेव करनी है। बस हो गया, सेव करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और कोई प्रोसेस बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। बस पेमेंट करना होगा बाद में जो भी होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म के सारे प्रोसेस थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके चेक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।